स्वागत है सबका सादा माटा द सिंपल रेसिपी विथ देसी तड़का में। हमारी आज की शेफ है मीरा। चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं बहुत ही स्पेशल, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, गाजर और बीट रूट की भाजी। तो दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज पाने के लिए जल्दी से हमारे रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसे आप सबसे पहले देख पाए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लेती हूँ सॉल्ट, और साथ ही हम ले लेंगे टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर, और इसी के साथ हम ले लेते हैं ऑयल यानी कि तेल फ्राई करने के लिए, और इसके बाद हम ले लेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और साथ ही हम ले लेंगे वेजेस जिसको हम फ्राई करने वाले हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है कैरेट यानी कि गाजर। गाजर को अच्छी तरह से कद्दूकस में भिस के इस तरह से रख देना है। इसके बाद हम ले लेंगे बीट रूट जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। बीट रूट को भी अच्छी तरह से छिलका को छुड़ा के इस तरह से कद्दूकस में खिस के रख देंगे। नेक्स्ट हम ले लेते हैं प्याज यानी कि ऑनियन, जिसको बारीक कूट के रखा गया है। एक बड़ा साइज का प्याज यहाँ पे लिया है। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आलू ले लेते हैं। मैंने 3 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं, और इसको कद्दूकस करने के बाद इसे अच्छी तरह से पानी में धो लेना है। पानी में नहीं धोएंगे तो ये पूरी तरह से काला पड़ने लगेगा। इसके लिए इसको अच्छी तरह से मसलते हुए पानी में हम धो लेंगे। उसके बाद इसको इस तरह के एक स्ट्रेनर में हम अच्छी तरह से पानी निचोड़ के स्ट्रेन करके रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तेल को पहले दे दिया है गैस का फ्लेम ऑन करके। तेल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद सबसे पहले हम दे देते हैं गाजर, जिसको मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ था। तो अब इसको सबसे पहले दे देते हैं कढ़ाई में, और इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे, और साथ ही इसमें दे देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक, और इसी के साथ हम दे देते हैं थोड़ा सा सॉल्ट यानी कि नमक अपने स्वाद अनुसार। दोस्तों, सॉल्ट और टर्मरिक को हम 2-3 हिस्सों में दे रहे हैं, तो आप फ्राई करते वक्त इसका अंदाज बहुत ही अच्छी तरह से रखिएगा। तो नीचे से स्टिक करना बंद हो रहा है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसको रख देते हैं एक अलग बर्तन में। उसी कढ़ाई में हम फिर से दे देते हैं ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद पटाटो यानी आलू को दे देना है। इसको अच्छी तरह से पानी निचोड़ने के बाद ही हमें यूज़ करना है दोस्तों। तो इस तरह से हम हल्के हाथों से इस आलू को भी फ्राई कर लेंगे, क्योंकि कद्दूकस किया हुआ है तो नॉर्मली बहुत ही नॉर्मली ये जल्दी से पक भी जाएगा। तो इसमें हम दे देते हैं थोड़ा सा नमक, और साथ ही हम दे देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर देने के साथ ही हम इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते रहेंगे। तो इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है दोस्तों। बाकी सारे इंग्रेडिएंट से इसको फ्राई करना थोड़ा सा टफ होता है, तो थोड़ा सा हल्के हाथों से फ्लिप करते हुए कुछ इस तरह से आप अपने इस आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए दोस्तों। बाकी इंग्रेडिएंट्स को तो बाद में धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर आलू को आपको धोना ही पड़ेगा, नहीं तो आलू पूरा काला पड़ जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और इसमें जो भी रस रहता है वो पूरा इस इंग्रेडिएंट में दिखने लगेगा। तो फ्राई हो चुका है दोस्तों, इसको हम फिर से अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। पूरा आलू अच्छी तरह से निकल जाए उसके बाद उसी कढ़ाई में हम फिर से दे देंगे ऑयल। ऑयल को हम दे देंगे गर्म होने के लिए। अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो बीट रूट देते हैं। बीट रूट को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बीट रूट देने के बाद आप देख सकते हैं पूरी कढ़ाई और ऑयल रेडिश कलर आ रहा है, इसलिए मैंने बीट रूट को एकदम लास्ट में फ्राई करने की सोची है। तो इसमें भी सिमिलर वे में हम दे देते हैं हल्दी और नमक। दोस्तों, हल्दी और नमक को हम 3 या 4 हिस्सों में दे रहे हैं, तो आप हल्दी और नमक का इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। तो लीजिए, इसी तरह से चलाते हुए आप देख सकते हैं नीचे से स्टिक करना बंद हो चुका है, तो हमारा बीट रूट भी बन के रेडी हो चुका है। इसको अभी हम उठा लेंगे अलग बर्तन में और सेपरेटली इसको रख देते हैं। उसी कढ़ाई में हम फिर से दे देंगे ऑयल थोड़ा सा, और इसी के साथ ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें दे देते हैं हम प्याज यानी कि ऑनियन, जिसको बारीक कूट के रखा गया है था। थोड़ा सा हम चला लेते हैं, और इसी के साथ इसमें हम दे देंगे नमक। दोस्तों, ये चौथी बार नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी दे देंगे इसी के साथ। और हल्दी पाउडर और नमक के साथ ही हम दे देते हैं रेड चिली पाउडर, और इन सब को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं।
तो प्याज का रंग चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, तो प्याज बनके पक के रेडी हो चुका है। इस वक्त हम दे देंगे हमारे फ्राइड वेजीज जो हमने फ्राई करके ऑलरेडी रखा हुआ था, सारे वेजीज को हम दे देंगे। अब सारे वेजीज को अनियन के साथ हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने अच्छी तरह से इसको हल्के हाथों से चलाते हुए सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत आ चुका है सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होने के बाद। तो बस दोस्तों बनके रेडी हो चुकी है। गैस का फ्लेम कर देते हैं ऑफ और प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों कितनी लजीज लग रही है, और ट्रस्ट मी दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी होती है। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे साथ हर संडे नई रेसिपी पाने के लिए। हैप्पी कुकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।